तो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आई होप गाइस सब लोग अच्छे होंगे एंड ऐसे ही आगे भी बढ़िया रहना। तो मेरे भाई लोग देखो, आप में से बहुत सारे बंदे का कुछ दिन से कमेंट आ रहा था वीडियो पे कि यार पिंक स्किन प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बनाओ, मेरे साथ पिंक स्किन प्रॉब्लम हो रहा है, मैं जब भी गेम ओपन करो मेरा स्किन जो पिंक हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है भाई, प्लीज़ यार एक वीडियो बना दो। तो मैंने मतलब वो सब कमेंट देखे सोचा यार क्या प्रॉब्लम है, मुझे खुद नहीं पता कि पिंक स्किन प्रॉब्लम होता है क्या, तो मैं क्या वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया था। उसके बाद मैंने कुछ दिन पहले न्यू पीसी लिया गया, ठीक है, मतलब पीसी लिया। उसके बाद मैंने जब भी मतलब वहाँ पे ब्लू स्टिक 5 से मतलब पीसी में फ्री फायर मैक्स को डाउनलोड किया वहाँ पे, ठीक है, गेम खेला ना, तो उसके बाद ऊपर सामने आ रहा है जब भी ऑन कर रहे हो मतलब गेम ना पीसी में, तो उसके बाद आ रहा है कि ऐसे पूरा पिंक, मतलब पूरा पिंक कलर का पूरा हो जा रहा है पीसी का पूरा स्किन, ठीक है। तो मैंने सोचा उस टाइम पे कि यार बंदे लोग तो सही कमेंट कर रहे थे यार, पिंक स्किन प्रॉब्लम ये क्या हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है यार। तो उसके बाद मैंने क्या रहा कि मेरा जो 2 GB रैम का एक फ़ोन था गाइस डिवाइस, उसमें भी फिर बार मैं डाउनलोड किया, उसमें मतलब मैंने इंस्टॉल किया, तो उसके ऊपर भी मतलब उसमें सेम प्रॉब्लम आ रहा है, पूरा स्क्रीन जो पूरा पिंक हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बोले गजब सीन हो गया यार, पिंक स्किन प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करें। तो गाइस 2 दिन मतलब बैठ के, गाइस क्या ही बोलूं, 2 दिन मतलब पूरा बैठ के देखा यार कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें। मैं खुद पता है, मैं खुद यूट्यूबर हूँ, खुद यूट्यूब में सर्च करूँ यार पिंक स्किन प्रॉब्लम मतलब कैसे सॉल्व करें, ये भगवान क्या जुलूम है। तो गाइस उसके बाद बहुत कुछ शेयर करने के बाद गाइस मुझे पता चला कि कैसे सॉल्व करते हैं पिंक स्किन प्रॉब्लम। तो मैंने जो सॉल्व कर लिया, मेरा पीसी में भी हो रहा था, फोन में भी हो रहा था, तो मैंने दोनों तरफ का जो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने सोचा ये चलो आप लोग तो बहुत से बंदे बोल रहे थे कि पिंक स्किन प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों के साथ भी, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं आप लोगों के लिए कि मैंने जैसे सॉल्व किया आप लोगों को भी पता होगा, तो आप लोग भी मतलब सॉल्व कर ले सकते हो, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, इसलिए सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाने का फैसला लिया, फिर ये वीडियो बना रहा होगा, ठीक है। तो देखो आज ये वीडियो में बात करेंगे पिंक स्किन प्रॉब्लम को लेकर। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है ना, जब भी आप लोग गेम ऑन करते हो मोबाइल पे हो या पीसी पे हो, तो आप लोगों के साथ जो पिंक स्किन प्रॉब्लम आता है जब भी ऑन करते हो पूरा स्किन पिंक हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो कैसे सॉल्व करेगा वही बताऊंगा आगे जाके वीडियो में। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जरूर से वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों का एक एक लाइक बहुत ही मोटिवेट करता है मुझे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, भाई ने बोला करने का तो करने का। एंड आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज यार नीचे देखो रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर देना, प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना भाई लोग, ठीक है। मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप से बहुत सारे बंदे मेरा वीडियो देखते रेगुलर पर सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों यार ऐसा क्यों करते हो, प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो, ठीक है। तो चलो और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी बात करेंगे पिंक स्किन जो प्रॉब्लम है गाइस वो कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फोन का और जो पीसी का दोनों स्टेप एक ही है गाइस, ठीक है। आप लोग पीसी में गेम खेल रहे हो, वो जो प्रॉब्लम आ रहा है पिंक स्किन प्रॉब्लम, तो कैसे सॉल्व होगा, जो फोन में ना दोनों का स्टेप एक ही है गाइस, आप लोग सुन लो। तो आप लोग जो पीसी में खेलते हो उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फोन में खेलते हो जो प्रॉब्लम आता है वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दोनों का स्टेप ही सिंपल है, तो मैं कुछ स्टेप बताऊंगा आप लोगों को, तो वो स्टेप फॉलो करना, हो सकता है कोई भी एक स्टेप से आप लोगों का जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो एक एक करके स्टेप मैं बता रहा हूँ, आप लोग मतलब ध्यान से सुनना। तो पहला जो स्टेप है गाइस, आप लोगों के साथ जो पिंक स्किन प्रॉब्लम वगैरह होता है ना गाइस, होता है ना, तो आप लोगों को मतलब पहली बात तो करना क्या है, तो पहली बात तो आप लोग फ्री फायर तो अभी ज़्यादा बंदे नहीं खेलते, बट फिर भी यार फ्री फायर खेलते हो, फ्री फायर मैक्स खेलते हो, स्टेप एक ही है। तो आप लोग फ्री फायर मैक्स खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो ना, आप लोगों से पहली बार जब ये प्रॉब्लम आता है ना, तो आप लोगों को करना क्या है बता दूँ। पहली बात तो आप लोगों को जो फ्री फायर है, फ्री फायर का वो जो क्लियर कैच होता है, ठीक है, क्लियर कैच करना है, क्लियर डेटा नहीं गाइस, वहाँ पे क्लियर कैच एंड क्लियर डेटा आता है, तो ठीक है। पीसी में भी जाना, सेटिंग पे वहाँ पे जाके क्लियर डेटा क्लियर कैच ये सब आता है पीसी में भी, तो आप लोग क्लियर कैच करना है, ठीक है। पहली बात तो फ्री फायर को क्लियर कैच करना गाइस, ठीक है। क्लियर कैच करने के बाद गाइस उसके बाद देखना जाके पूरा मतलब पीसी में खेलते हो तो पीसी को रीस्टार्ट करना, नहीं तो फोन में खेलते हो तो फोन को एक बार रीस्टार्ट करना, ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद गाइस फिर से गेम को ओपन करना, ओपन करने के बाद देखना वो जो प्रॉब्लम है गाइस आप लोगों के साथ आता है कि नहीं, ठीक है। तो फिर भी देखते हो कि प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तो फिर आप लोग करना क्या, फिर से गेम को ओपन करना है। ओपन करके गाइस वहाँ पे मतलब जो गेम के अंदर देखना कुछ सेटिंग होगा, गेम के अंदर जब जाते हो ना सेटिंग पे देखना, वहाँ पे क्लियर कैच आता है ना, गेम के अंदर जो सेटिंग पे क्लियर कैच आता है वहाँ पे एक बार क्लियर कैच करना। करने के बाद गाइस आप लोग जाना अपना जो सेटिंग पे, फोन का जो सेटिंग में जाना, सेटिंग पे जाना, नहीं तो पीसी में खेलते हो तो पीसी का जो सेटिंग में जाना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ऐसे आप लोग पीसी में हो फोन में हो एक ही बात है, ठीक है।
तो सेटिंग में जाना, फोन का हो पीसी का हो, जाके और जो ऐप है ना, ऐप का पूरा क्लियर डेटा करना। पहली बात तो क्या था, क्लियर कैश, तो अभी जाना पीसी में जाके पूरा क्लियर कैश करना, नहीं तो फोन में जाके पूरा क्लियर मतलब जो डेटा करना, सॉरी ये क्लियर कैश बोल दिया अभी, तो क्लियर कैश नहीं, पूरा क्लियर डेटा करना, ठीक है। अभी क्लियर डेटा करने के बाद फिर से आप लोग रीस्टार्ट कर लेना, फोन में खेलते हो तो फोन को, नहीं तो पीसी को, पीसी में खेलते हो तो पीसी को, तो जब से रीस्टार्ट कर लेना, करने के बाद फिर से गेम को ओपन करना, देखना आप लोगों के साथ सेम प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखना का इस प्रॉब्लम मतलब मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, फिर भी आप लोगों का प्रॉब्लम आता है ना, फिर भी आप लोगों का प्रॉब्लम आता है गाइस, ठीक है। तो क्या करना होगा, फ्री फायर को पूरा अनइंस्टॉल करके गाइस फ्री फायर को न्यू करके पूरा डाउनलोड करना फिर से, ठीक है, न्यू करके फुल डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद गाइस आप लोग फ्री फायर को ओपन करना, ठीक है। फ्री फायर को ओपन करने के बाद आप लोगों के साथ देखना प्रॉब्लम, मुझे तो जितना लग रहा है नहीं होगा, बट फिर भी प्रॉब्लम आता है गाइस, ये भी करने के बाद फिर भी प्रॉब्लम आता है, तो आप लोगों करना क्या है, आप लोगों को मतलब खेलते हो ना अल्ट्रा पे, स्टैंडर्ड पे, ठीक है, मतलब मैक्स पे, तो आप लोगों करना क्या है, पूरा स्मूथ कर देना है गाइस, ठीक है। पूरा जो फ्री फायर को है पूरा स्मूथ में खेलना है, पूरा स्मूथ कर देना, सेटिंग में जाके वहाँ पे डिस्प्ले पे जाकर जो स्मूथ कर देना गेम को, ठीक है। पूरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, अल्ट्रा नहीं, मैक्स नहीं, पूरा स्मूथ करना गेम को। स्मूथ करने के बाद गाइस आप लोगों को करना है ऑपे जाके मतलब गेम को एक बार, ठीक है, एक बार फिर से गाइस गेम को जाके ऑपे क्लियर कैच करना है, क्लियर डेटा नहीं गाइस, क्लियर कैच करना है, गेम को जाके फिर से स्मूथ करना गेम में सेटिंग में पहले, उसके बाद जाके क्लियर कैच करना, जो फोन का सेटिंग है पीसी का सेटिंग है, जाके क्लियर कैच करना गेम को। करने के बाद गाइस उसके बाद देखना फिर से आना गेम में, ठीक है, फोन को रीस्टार्ट करके फिर से गेम में आना। आने के बाद गाइस देखना आप लोगों को जो प्रॉब्लम है गाइस 100% सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप लोगों को जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। एंड बहुत बंदे बोलोगे भाई ये आपने बताया कुछ समझ में नहीं आया, तो देखो यार जिन लोगों को समझ में नहीं आया फिर से आप लोग पहले से वीडियो देखो, स्किप मत करना एकदम ही, ठीक है, पहले से वीडियो देखो स्टॉप करके करके आप लोग सुनो मैं क्या क्या बोला पूरा वीडियो में, तो आप लोग ध्यान से सुन के वो सब चीज़ करो जो जो बोला। और देखो गाइस आप लोग बहुत बार सोचते हो यार कि भाई आप दिखा देते तो अच्छा होता, तो भाई देखो मेरा जब प्रॉब्लम हुआ था ना उस टाइम पे, तो मतलब ये रिकॉर्ड करने के बाद मेरा दिमाग में आया तक नहीं, ठीक है, तो मैंने जब प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया उसके बाद मेरे को याद आया कि यार बहुत बंदे बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया, ठीक है। मैंने देखो आप लोगों को इतना सारा चीज़ बताया ना, बट मैंने क्या किया पता है, मेरा फोन में मतलब जाके सिर्फ वहाँ पे फ्री फायर को क्लियर डेटा करके और जो मतलब वहाँ पे स्मूथ में खेल रहा था, तो देखा मैंने जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया था गाइस, ठीक है। तो गाइस मैंने जो जो बता दिया आप लोगों को, आप लोग ये सब करना, करने के बाद आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मुझे लगता है, बट आप लोग फिर भी यार मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो जब से कॉमेंट में आके बताना, फिर इसके बाद और एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा स्टेप बाई स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, करके। तो आप लोग जैसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना गाइस, नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके ऊपर आप लोग कमेंट करोगे कि भाई हाँ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया या नहीं हुआ, सब कुछ बताओ, उस वक्त फिर वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो गाइस आज ये वीडियो यही तक, आई होप पसंद है, पसंद है इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब भी करके रखना, तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सब लोग अच्छे रहना, टाटा बाय बाय। एक शायरी उन लोगों के लिए जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं कि लोगों ने जितना नीचा गिराने की कोशिश की उतनी ऊंची बुलंदियां चूम रहा हूं, कि दुनिया ने जितना नीचा गिराने की सोची उतनी ऊंची बुलंदियां चूम रहा हूं, और धोखा दे के क्या उखाड़ लिया मेरा, पहले सिर्फ एक कांटा था आज जालेवा हथियार बन के घूम रहा हूं।